हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू कुम ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और जय माता दी आप सभी लोगों को, और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और किस किस ने आज कन्या कर दी है? आज बहुत से लोग, आज अष्टमी व्रत हैं, बहुत लोगों ने कल रख लिया था। और नवमी जो है आज 12:30 बजे के बाद लगने वाली है, तो बहुत से लोग कन्या पूजन कर चुके हैं सुबह के टाइम। लेकिन अभी हम लोग जो है मंदिर पर जा रहे हैं, वहाँ पर कैसी क्या तैयारी चल रही है वहाँ का देखेंगे। क्योंकि जिस मंदिर पे हम डेली जाते हैं वहाँ पर भंडारा होता है आज के दिन, और वहाँ पे कल हम लोग जा नहीं पाए थे, तो हम लोग सोच रहे थे थोड़ा बहुत कुछ सामान वगैरह लेकर देंगे, पर कल हम लोग जा नहीं पाए थे, इसलिए अभी हम लोग सुबह के टाइम निकल रहे हैं और जाकर वहाँ पे देखते हैं कैसे क्या चल रहा है। अगर सारी तैयारी हो गई होंगी तब तो फिर कोई बात नहीं है, अगर कुछ होगा तो थोड़ा हम भी अपना योगदान देंगे उसमें, और उसके बाद जो है गुड़गांवा देवी मंदिर जाएंगे। तो मेरे वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी माता रानी के, भगवान जी के दर्शन होंगे, और भी जो कुछ वहां पर होगा सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ पूरे ब्लॉग में। तो गाइस, हम लोग मंदिर आ चुके हैं, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर श्री राम नाम का जो संकीर्तन है वो नीचे चलता है, यहाँ पर सुन सकते हैं आप। पूजा पाठ के हैं काहे कम कराओ, एक बार कही के देख ले बस। रुपया पहले पकड़ो कैसे। जय सीताराम, जय सीताराम। गाइस, मैं यहाँ पर मंदिर से बाहर निकल आई हूँ रेलिंग के पास में, तो वहीं पर खड़े होके मैंने माइक ले लिया और साथ में श्री राम जय राम, जय जय राम का उच्चारण भी कर रही थी। जी कन्या बैठ चुकी हैं, इनके लिए जी बर्तन आए हैं, जी गिलासें। तो गाइस आप देख सकते हैं कन्याओं की थाली लग गई है, और ये गिलास उन्हें देने के लिए आए थे तो लग चुके हैं, और सभी लोग सेवा भाव से पूरे कन्या कर रहे हैं, और एक एक करके जो भी जिसके हिस्से में आ रहा है उस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, मिलके कन्या खिला रहे हैं। और जो रहे मुखिया, तो वो अभी जो गुप्ता जी दास थे वो खड़े थे, उनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम जो है भंडारे का और कन्या भोज का संपन्न कराया जाता है। उन्हीं का ये मंदिर भी है, गुप्ता जी दास का, ओम प्रकाश गुप्ता जी दास का। तो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं हम लोगों से, तो नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं शेयर कर देती हूँ यूट्यूब पर। ये रहे ये वाले हैं गुप्ता जी दास पीछे, और वो हैं उनकी धर्मपत्नी, और भगवान सबको सुखी रखे। मैं भी इन लोगों को देख कर ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, मुझे भी लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ, कभी मेरे पास भी इतना धन हो कि मैं इस तरीके से, अभी भी मैं करती हूँ पर उस हिसाब से नहीं कर पाती हूँ जैसा मेरा दिल करता है। तो मैं चाहती हूँ उस तरीके का मेरे पास भी खूब धन हो, तो मैं धन अभी तन से करती हूँ सेवा, और जब धन हो तो धन से भी सेवा करूँ, अच्छे अच्छे कार्य करूँ, धर्म कार्य जो लोगों, मेरे ना रहने पर भी लोगों को याद रहें। ऐसे लोगों को देखकर हमारा तो दिल खुद यही करता है माता रानी के सामने कि हे माता रानी, हमें भी लेने वाला नहीं देने वाले बनाओ, हम भी लोगों को दान करें, अगर धन से सहयोग हो सके तो धन से करें, और मानसिक तौर पर अगर तन से कर सकते हैं तो तन से सहयोग करें। तो हमारी भी यही माता रानी से प्रार्थना रहती है, जहाँ कहीं मंदिर में जाते हैं यही मन्नत मांगते हैं, हे भगवान मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ। तो आप देख सकते हैं कन्या यहाँ पर संपन्न हो गई हैं। और गाइस, मेरा गला आज बिल्कुल दर्द हो रहा है, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं आज, तो मेरे बच्चे जो हैं ये सब, बिटिया भी और आरव
दोनों लोग आगे निकल गए हैं और सारी कन्याएं निकल ली हैं यहाँ से। अब हम यहाँ से लेंगे गुड़गांव मंदिर प्रसाद रखेंगे। दीदी खड़ी हैं और टैक्सी मिल गई गाइस, हम लोग निकल आए इधर रास्ते में। और टैक्सी वाले ने गुड़गांव दीदी का थाना पड़ता है वहीं पर उतार दिया था हम लोगों को, आगे टैक्सी वाले लेकर नहीं आए थे तो मतलब भर की दूरी थी तो हम लोगों को पैदल चलना पड़ा। तो गाइस ये रहे हमारे बच्चे, आगे आगे जा रहे हैं और इधर पीछे हम भी हैं। मंदिर बिल्कुल नज़दीक आ गया है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी जब तक हम लोग मंदिर पहुँचे, 12:30 बज गए थे। धूप बहुत भरपूर थी एकदम और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और काफ़ी दूर पहले ही उतार दिया था। तो यहाँ पर हमने इनको देखा था, ये टैटू बनवा रही थी। मैं तो इतना दर्द सिर्फ भगवान के नाम पर ही झेल सकती हूँ, अगर मुझे राधे कृष्णा या श्री राम लिखाना हो तो ही, लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम लिखाना हो तो ही मैं इतना दर्द झेल सकती हूँ, बाकी किसी और के लिए नहीं। ये लोग बटरफ्लाई बनवा रही थी और उधर वो वाली जो गुड़िया है पता नहीं उसका भी कुछ ऐसे ही था, वो शायद खुद का ही नाम डलवा रही थी जूली, और ये बटरफ्लाई बनवा रही थी। तो इनको ये रो भी रही थी, दर्द हो रहा था इनको, लेकिन फैशन क्या किया जाए भाई। और यहाँ पर ये वाले भैया हैं, इनसे हम लोगों ने प्रसाद लिया, नारियल चुन्नी और सुहाग का सामान। और गाइस प्रसाद लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल, वाले हैं और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, पुलिस वाले धक्का मार मार के लोगों को जल्दी जल्दी हटा रहे हैं वहाँ से। तो गाइस जैसे तैसे मंदिर के अंदर आ गए, तो इस तरीके से यहाँ पर गोल गोल लाइन सी लगा रखी हैं। तो एक चीज़ जिससे आराम भी हुई, गुस्सा तो गेट पे बहुत आ रहा था, एक पुलिस वाले भैया काफ़ी मतलब बदतमीज़ लहजे में बात कर रहे थे हम औरतों से। हम लोग कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे, बहुत ही शिक्षित लोग हैं हम लोग, मंदिर में जाते हैं किस तरीके का व्यवहार करना है पहले से ही मुझे पता होता है। लेकिन वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका भी नहीं, सुबह से औरतें, कुछ औरतें ऐसी आती हैं जो धक्का देकर बेशरमाई से आगे बढ़ जाती हैं, तो मैं वो भी टॉर्चर थे काफ़ी पहले से, सुबह के थके होंगे शायद, तो हो जाता है, खैर कोई बात नहीं। पर जब हम अंदर आए तो मुझे इस बात का दिल से सुकून लगा कि मंदिर के अंदर दर्शन बहुत सुकून से हुए। वीडियो नहीं मैंने बनाई वहाँ पर, क्योंकि कुछ टाइम मिलता है सुकून से माता रानी के दर्शन किए, बहुत खुशी है मुझे मंदिर के। बिल्कुल भीड़ नहीं थी, वो इन सब लोगों की हुई तैयारी थी, मैं इन लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। पिछली बार मैं गई थी तो मंदिर के अंदर हमारा प्रसाद नहीं चढ़ पा रहा था, तो माना थोड़ा गेट पे मुझे दिक्कत हुई, पर मंदिर के अंदर बहुत सुकून से माता रानी के दर्शन हुए तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा भी कि हाँ वो सही है, गेट पर मैं जब थी तब मुझे बहुत गुस्सा आई थी गाइस। तो हम लोग निकल आए हैं इधर यहाँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर भी भंडारे की तैयारी चल रही है, यहाँ का भंडारा भी बहुत ज़्यादा विशाल होता है। तो यहाँ पर तो देख सकते हैं आलू वगैरह काफ़ी कुछ तैयारी अभी चल रही है, कन्या वगैरह भी नहीं हुई, अभी शुरुआत हो रही है, ठीक से 4 बजे के तरफ ही होगा भंडारा शुरू। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर हम लोग प्रसाद पाएंगे, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे मेला वगैरह देखने के बाद। देखना क्या है, बस थोड़ा सा वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद गर्मी लग रही है बच्चों को भी और हमें भी, अब निकल ही जाएंगे यहाँ से। तो उस साइड से दूर पड़ रहा था हम लोगों के लिए, तो पीछे की साइड से हम लोग निकल आए मेले की तरह। और बहुत ज़्यादा मेला इस बार लगा भी नहीं था, क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे तो कुछ ज़्यादा लग रहा था मुझे, इस बार तो वही नॉर्मल से कुछ झूले वगैरह थे। गाइस आप देख सकते हैं ये रहा पूरा मेले का व्यू, एक तरफ से झूले वगैरह हैं वो मैंने दिखा दिए, मिक्की माउस सिंड्रेला वगैरह, और एक और बीच में था, ये हैं 3-4 झूले, इधर देसी स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो छोटी सी क्लिप इसके लिए मैंने, ये मुझे अच्छा लगा सबसे ज़्यादा सुकून देने वाला। लेकिन फिर बच्चे एकदम से तैयार नहीं थे रुकने के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, कह रहे थे मम्मी वो जल्दी चलो, धूप लग रही है बहुत तेज़ी से। और यहाँ पर लगी थी चटपटी वाली भेलपूरी और ये वाले गोलगप्पे हम लोगों ने खाए थे यहाँ पर, क्योंकि एक दिन पहले व्रत था और मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की वजह से हमने कुछ खाया भी नहीं था घर पर, तो गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खाने के वाले बाद गाइस इधर आ गए हम लोग, और यहाँ पर फिर तब तक तैयारी हो गई थी तो कन्याएं हो रही हैं, आप गाइस देख सकते हैं लाइन से लगी हुई हैं, कन्याओं ने भोजन किया और गाइस हम निकल आए अपने घर की तरफ वापस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, हरे कृष्णा।